राजस्थान में एक बार फिर तनाव का माहौल है। दरअसल भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या को लेकर माहौल गर्म आ गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात भीलवाड़ा के शास्त्री नगर क्षेत्र में ब्रह्माणी स्वीट्स के पास कथित रूप से दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने निजी विवाद को लेकर चाकू मारकर 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल पहुंचे तक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं एहतियात के तौर पर शहर में गुरुवार सुबह तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें, 22 साल के एक लड़के को कथित तौर पर दूसरे समुदाय के कुछ सदस्यों ने उस वक्त चाकू मार दिया था जब मृतक अपने छोटे भाई से जुड़े विवाद को सुलझाने गया था। भीलवाड़ा शहर में फैले तनाव को देखते हुए शहर के पांचों थाना क्षेत्रों में एसटीएफ और आरसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद करने की भी घोषणा की है। जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारी बीती रात से ही शहर के चक्कर काट रहे हैं। तनाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत भी की है, ताकि ये घटना सांप्रदायिक रंग ना ले ले। बता दें कि राजस्थान के करौली, अलवर और जोधपुर से हाल ही में सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई थी, वहीं अब भीलवाड़ा में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। राजस्थान पुलिस इन सांप्रदायिक हिंसाओं के बाद अलर्ट पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।